यो कैसे हैं आप सब लोग, आप सब स्वागत है मेरे गेमिंग चैनल अभिजीत द गेमर बॉय के साथ। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज #part2। और आज हम लोग करेंगे इसमें माइनिंग, क्योंकि हम लोग के पास उतना स्टफ नहीं है कि हम लोग आर्मर बना ले और सब सामान बना ले। तो हम लोग पास जितना कुछ है पहले चेस्ट में रख देते हैं। पहले बात चेस्ट कहाँ रखे थे उधर, पहले चेस्ट में रख देते हैं कुछ ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लेते हैं इधर, और कुछ फूड, यस कुछ फूड इधर, कोल है, कुछ फूड भी मिल गया हम लोग को, इतना काफ़ी है अभी के लिए। और अरेंज कर लेते हैं, बाहर बारिश हो रहा है, हम लोग केव के अंदर चल जाएंगे। अरेंज कर लेते हैं फूड्स को, टॉर्च इधर रख लेते हैं, इसको इधर, हैक्स इधर, एक्स्ट्रा इधर, ये इधर, टॉर्च इधर, और स्लैब्स इधर ही रहने फूड्स। आज हम आप लोग को एक टिप भी देना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक आपको बोले ही थे देंगे कि आप लोग देखिएगा केव में खोजने से अच्छा डायमंड स्ट्रिप माइनिंग में मिलता है या केव में, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और आज हम लोग माइनिंग करके आते हैं पहले, उसके बाद मॉडर्न हाउस बनाएंगे जितना स्टोन मिलेगा हम लोग को। चलो सबसे पहले ये ले लेते हैं कोल, अभी हम लोग कोल भी बहुत चाहिए होगा। और आप लोग पूरा माइनिंग दिखा कर बोर नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा मेन स्टेप्स मिलेगा वही आप लोग दिखाने खोज रहे हैं। तब पर भी अभी स्टार्टिंग का देख लीजिए, केव तो इतना ही छोटा है, हम लोग इसके बाद माइनिंग ही करना पड़ेगा स्ट्रिप माइनिंग। तो स्ट्रिप माइनिंग के लिए हम लोग को सामान भी चाहिए होगा। अभी के लिए यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं, जैसे कोई मॉब्स स्पॉन हो जाए, मॉब्स स्पॉन होगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा लोग। इधर भी एक टॉर्च, और टॉर्चेस भी हम लोग पास नहीं है, तो स्ट्रिप माइनिंग का कुछ करते हैं पहले। और कुछ केव वेव है तो खोज लेते हैं रैंडम केव्स, उसके बाद स्ट्रिप माइनिंग के लिए कुछ स्ट्रिप बनाते हैं नीचे तक। स्ट्रिप माइनिंग का मेन होता है कि आप लोग को जाना पड़ता है, डायमंड मिलेगा आप लोग को, मेन मिलता है डायमंड 11, 12 और 10 में। तो आप लोग हमेशा माइनिंग कीजिए 11 में, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे देख सकते हैं, मेरे ऊपर में पोजीशन लिखा होगा, आप वहाँ पर देखिए कि मेरा पोजीशन है 45/62। ये जो 62 है हम लोग को, वो हम लोग ब्लॉक्स 62, तो उसको हम लोग करना है पहले 11 में। तो 11 में करने के लिए हम लोग को उतना नीचे ब्लॉक तक का जाना पड़ेगा, तब जाके ठीक हो सकता है, ठीक है। तब तक जाके हम लोग सोते हैं अभी के लिए, कल सुबह स्ट्रिप माइनिंग का तैयारी करेंगे, और फिर स्ट्रिप माइनिंग करके डायमंड तो पक्का लेके आना है इस वीडियो में यार। उससे पहले आयरन चाहिए, आयरन का पहले आर्मर बना लेंगे और एक फर्नेस भी लेके चल जाएंगे। सो जाते हैं, गुड नाइट। और उसके बाद मॉर्निंग होते साथ ही हम लोग जाने वाले हैं स्ट्रिप माइनिंग के लिए। चलो एक सवल भी चाहिए, सवल भी बना ले। स्टिक कहाँ है, दो स्टिक और एक स्टोन, इससे हम लोग बन जाए एक सबल। सबल भी बन गया हम लोग के पास, पिकैक्स भी है। तो चलो घर का सामने ही में बनाते हैं स्ट्रिप माइनिंग का, यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बनाते हैं। यहीं पे बनाते हैं स्ट्रिप माइनिंग के लिए। यहीं पर बना लेते हैं, अच्छा रहेगा, घर के सामने भी रहेगा। अभी हम लोग जैसे 60 तक आए हैं पोजीशन हम लोग का, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते करते लेके जाने, पहले कोल लाए थे ना 15 कोल, इससे जाके पहले टॉर्च बना लेते हैं, नहीं तो फिर तो मालूम है आ जाएगा मॉब्स पीटने के लिए। इसी को कंटिन्यू हम लोग करते करते लेके जाना है 11 तक,
वहां पे ज्यादा चांसेस होता है डायमंड मिलने का। तो पहले टॉर्च बनाने के लिए, अरे यार हम भी क्या कर रहे हैं, पहले स्टिक बना लेना पड़ता है फिर जाकर टॉर्च बनता है। क्या पागल जैसा कह रहे हैं हम भी। रखो और कोल जिन्ना निकलता है निकाल लेते हैं पूरा। चलो ठीक है 33 और बना लेते हैं, 7 है ना, बहुत सारा मिल जाएगा। 61 एक स्टैक जिंदगी हो गया है। ओ गाय, फिर हम लोग फार्म भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, फार्म आने वाला है। पहले गाय को मार ले, कुछ खाना मिल जाएगा। चलो लेदर मिली है, लेदर से भी आर्मर बनता है लेकिन अच्छा नहीं बनता। अरे हम लोग माइन कहाँ गया जो बना रहे थे। चलो यहाँ पे लगाते हुए चले हम लोग, फूड पूरा फुल है। ब्लॉक्स, डर्ट ब्लॉक ले लेते हैं, फिर यहाँ से फिर से माइनिंग चालू कर देते हैं हम लोग ऊपर। चलो थोड़ा सा, और कभी भी सीधा माइनिंग मत कीजिए, डायरेक्ट नीचे माइनिंग कभी मत कीजिए, माइनक्राफ्ट का रूल्स में है, बता देते हैं आप लोग को। सीधा माइनिंग कभी नहीं करना चाहिए माइनक्राफ्ट में, सबसे पहला बात। सीधा माइनिंग करेंगे तो आपको पक्का खाई नहीं तो लावा मिलने वाला है, ये भी जान के रख लीजिए। तभी कभी भी सीधा माइनिंग मत कीजिएगा माइनक्राफ्ट में, कुछ भी कर लीजिए। कभी भी स्ट्रेट डिग डाउन मत करने जाइएगा। फिर इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको यहाँ पे टच लो। ऐसे करते करते 11 तक जाते हैं, उसके बाद आप लोग को मिलते हैं। अभी हम माइनिंग करते करते जा रहे थे, 33 ब्लॉक में आ चुके हैं, और हम देखे कि यहाँ पे एक केव है। क्या बोलते, केव में जाए कुछ मिलेगा। और अभी रात भी होने वाला है, रात भी हो चुका है, अभी सो जाते हैं फिर केव में जाते हैं। यहीं पे सामने में कुछ बना लेते हैं सोने के लिए, क्रीपर बाबू आके दीपा ना कर दे। और हम बेड भी लेके आ गए थे यहीं पे लगाने के लिए, यहीं पे लगा लेते हैं बेड और सो देते हैं अभी के लिए। स्टीव भाई सो गया, ए भाई यहाँ पे बेड रख दिया, और यहाँ पे बेड रख के रिस्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं। रिस्पॉन पॉइंट सेट, और यहाँ पे लाइट लगा देते हैं। बहुत दूर माइनिंग करते करते आ गए थे, अभी मेरे को दिखाइए या सीधा हम लोग नीचे जाए। ओ भाई आयरन भी मिल गया, चलो नाइस। आयरन भी नहीं था हम लोग पास, भटक जाएंगे रास्ता, लेकिन आयरन को और रहने दो। देखो कितना माइनिंग कर ली, हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे केव है, हम लोग मालूम रहेगा, कॉबल स्टोन लगा देते हैं और चलते हैं माइनिंग के लिए रिटर्न। जैसे जा रहे थे हम लोग, थोड़ा सा ऊपर चल जाए। हाँ ठीक है, ये वाला दो ब्लॉक तो, ये वाला ब्लॉक तो मिल गया, यहाँ पे लगेगा बाद। यहाँ पे पूरे जगह बंद कर देंगे आज केव का। मेरा घरे का नीचे केव बना हुआ है, बोलो क्या बात है। जैसे कोई मॉन्स्टर ना आए तभी हम ये वाले जगह को अभी के लिए खाली बंद कर रहे हैं, जैसे माइनिंग करने में हम लोग सुविधा हो। ठीक है, अभी यहाँ पे टॉर्च,
फिर अभी नीचे तो जाना ही है हम लोग को, फिर हम 11th पोजीशन में मिलकर आप लोग से मिलते हैं, यही दिखाने के लिए किए थे। फिर यार 23 वाला पोजीशन में आते साथ फिर से हम लोग को केव मिली है यार, आज डायमंड देगा कि नहीं, केवे के अंदर जाना पड़ेगा लग रहा है। नीचे मॉन्स्टर्स का आवाज आ रहा, लेकिन आप लोग वीडियो का कमेंट में बताइएगा केव्स को एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं, अभी तो हम नहीं जाते हैं। तो फिर सायरन मिल गया, नाइस नाइस यार, बहुत आयरन है। कोल भी ले लेते हैं, कुछ तो मिला। और आयरन मिली है यहाँ पे, ले ही लेते हैं मेरे रथ तो। वहाँ पे कोल भी है क्योंकि हम लोग पिकैक्स भी खत्म होने आ गया है, हम लोग को आयरन भी चाहिए होगा और पिकैक्स बनाने के लिए। ओ भाई हम लोग को लैपिस मिली है सामने, लैपिस और रेड स्टोन, लग रहा डायमंड भी है उधर। चलो भाई केम में आने का थोड़ा तो फायदा हुआ, पहले तो कोल माइन कर लेते हैं। और हम लोग का लेवल देखो 16 आ चुके हैं लैपिस और रेड स्टोन का लेवल में, और उधर और थोड़ा सा आयरन है वो भी ले लेते हैं, ज़्यादा लालची नहीं बनना चाहिए न तो क्रीपर बाबू आके फट जाए। आयरन वाला पिकैक्स है, हम लोग टॉर्चेस भी ख़त्म होने जा रहा था। ऐसी ज़ॉम्बी का बहुत आवाज आ रहा है इधर, सामने में टॉर्च लगाओ और इधर से ले लेते हैं आयरन, सारा आयरन बटोर के निकल। चलो आ गया है मेरे को लैपिस और रेडस्टोन, आयरन भी उधर। पहले लावा को कवर करें, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, अभी मरते अभी मरते, दो हार्ट्स पे बचे हुए हैं यार, खाना भी नहीं खा रहा मेरा प्लेयर। मेरा प्लेयर तो खाना भी नहीं खा रहा, पूरा लेग को नहीं ढकेंगे। इतना ही ढकेंगे अभी के लिए, और इधर टॉर्च लगा देते हैं और लैपिस भी ले लेते हैं लैपिस। अरे यार लेने भी नहीं दे रहा, चलो पूरा जगह सिक्योर कर लिए, अभी लैपिस तोड़ लेते हैं पूरा। हम लोग को यहाँ पे मिला 4 लैपिस, नहीं 6 यार, इतना डायमंड दे देता मजा आ जाता, इतना ज़्यादा लैपिस दे रहा यार। इंचांटमेंट टेबल तो नहीं है, रेड स्टोन ऑटोमेटिक फार्म्स बनाने का काम में आएगा रेड स्टोन, और इधर कोल और आयरन था, पेट भरा हुआ था तभी हेल्थ जनरेट हो गया अपने आप पूरा भाई, पूरा वसूल हो गया माइनिंग, पूरा वसूल माइनिंग वसूल माइनिंग वसूल हो गया। ओ भाई ओपी पोजीशन 11 में यहीं पे ओए क्रीपर, मरे 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 मरे, भागो 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 यहाँ से, क्रीपर्स आने लग गए हैं, भागो 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 भागो, राम 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 राम, बचाओ बचाओ क्रीपर 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 पीछे में। ओ भाई रात हो चुका है, तो चलो ऊपर जाके अभी सो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपना डेरा बनाए थे, बेड हम ले लिए थे रिस्पॉन पॉइंट के लिए, तप्पर भी ले लिए थे, सो जाते हैं अभी, गुड नाइट। चलो फिर से माइनिंग में लग जाते हैं, अपना बेड को फिर से ले लेते हैं, रात जहाँ होगा सो देंगे अभी। फिर से नीचे पोजीशन दिखे कहाँ तक है, पोजीशन 18, और हम लोग जाना है 11, हम लोग बहुत सामने हैं डायमंड के, अभी मिल जाएगा डायमंड, तब पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मिलेगा नहीं ऐसे डायमंड और
क्या बोले आप लोग को। चलो 11 पर पहुंच के मिलते हैं, तब तक के लिए हम लोग 13 ब्लॉक पे तो आ चुके हैं, लेकिन मेरा टॉर्च खत्म हो गया, हम लोग को अभी ऊपर जाना पड़ेगा टॉर्च लेने के लिए। ओ भाई क्या आवाज आ रहा मॉन्स्टर्स का। टॉर्च लेने के लिए अभी ऊपर जाते हैं, फिर से नाइट हो गया ना, जल्दी तो नाइट नहीं होना चाहिए, अभी तो सो के उठे थे। टॉर्च नहीं है और मेरे पास प्लैंक्स भी नहीं है, पूरा सब प्लैंक्स खत्म हो गया है, स्टिक्स भी हम उधर रख दिए थे, तो मेरे को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा अभी स्टिक्स लेने के लिए, और स्टिक्स मेरे ही पास रहा तो हम अपने आप को मारेंगे अभी नहीं था, चलो सही है। और आयरन को यहाँ पे रख देते हैं मेल्ट होने के लिए, कुछ और भी रख देते हैं, और पहले तो टॉर्च बना लेते हैं, टॉर्च का कोल इधर ले लेते हैं अभी के लिए, और इससे ना टॉर्च बन जाएगा 64 इनफ है अभी, 4 कोल रख देते हैं इसके अंदर जैसे आयरन मेल्ट होते रहे, और इसके अंदर रख देते हैं अपना रेड स्टोन लैपिस एंड थोड़ा ब्लॉक्स भी रख देते हैं, ग्रेवल भी है, फिर ये भी है, क्या क्या मिला है, डर्ट तो बहुत ज़्यादा ही मिला क्योंकि डर्ट वाले जगह में चले गए थे, और ये भी रख देते हैं, सब रख दिए हैं, लेदर भी रख देते हैं, और यहाँ पे एप्पल्स है, एप्पल्स ले लेते हैं। अरे यार वुडन वाला पिकैक्स नहीं, एप्पल्स लेते हैं, हेल्थ जल्दी जनरेट करते हैं, और हम लोग फिर से नीचे जाकर मिलते हैं 11th पोजीशन में पहुँचेंगे। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा देरी का बना रहे हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बना रहे माइनिंग का, क्योंकि आप लोग डायमंड्स भी दिखाना है और माइनिंग कैसे किया जाता है वो भी दिखाना है, टिप्स एंड ट्रिक्स बोले थे कि आप लोग को देंगे, तो तभी देख लीजिए अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे 12th पोजीशन, ये वाला है हम लोग 12th, इसके नीचे वाला है 11th पोजीशन, मतलब ए वाला जगह। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना रूम, एक रूम क्रिएट करना है यहाँ पे हम लोग को, ये हम लोग 11th पोजीशन, हम लोग को यहीं पे खुदाई करना है, मतलब हम लोग जैसे 12th रहे ऊपर, 11 और 10 हम लोग साथ में चले, ये है 12th, ये है 11 नीचे वाला, ये 12 है, ये वाला ब्लॉक देख रहे, ये वाला 12, ये नीचे वाला हम लोग 11, इसके नीचे है 10, तो ये 11 है, इसके नीचे भी हम लोग माइनिंग करना है, और ये 3 ब्लॉक का डिफरेंस रहेगा हम लोग का ऊपर। इतना हम लोग तोड़ना है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक रूम क्रिएट कर ले, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे, बार बार तो ऊपर नहीं जाएंगे, एक ही जगह स्टोर करेंगे, तो रूम क्रिएट करने के बाद में। और देखिए 11th पोजीशन, मतलब आपके साथ थी लैपिस, वाह, ये डार्क ब्लू का जगह लाइट ब्लू होता तो ज़्यादा खुशी होता, मतलब डायमंड्स तो चलो थोड़ा और माइनिंग कर ले, साइड से लोग हटा दें, पूरा एक रूम क्रिएट करते हैं, फिर मिलते हैं, कुछ मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर। फिर से लैपिस मिल गया, इतना लैपिस है क्या बोले यार, लैपिस और लैपिस, इतना लैपिस नहीं चाहिए, काश मिल जाए यार डायमंड आज। अभी आप लोगों को दिखाते हैं स्ट्रिप माइनिंग। स्ट्रिप माइनिंग होता है कि ए वाला ब्लॉक और ए वाला ब्लॉक को तोड़िए और सीधा तोड़ते रहिए अंदर तक, जब तक डायमंड ना मिले तब तक मत रुकिए, क्योंकि अभी हम लोग डायमंड पोजीशन में ही है, डरिए मत, इसी पोजीशन में डायमंड मिलता है फिर से, और सामने लावा, तभी आप हमेशा पीछे रहिए और माइन की। तो आज हम लोग को तो लैपिस से ही काम चलाना पड़ेगा, खाली लैपिस मिल रहा है, और रेड स्टोन नीचे, और नीचे रेड स्टोन, सीधा डिग डाउन नहीं करना चाहिए तब पर भी, चलो बंद कर देते हैं,
ये होता है स्ट्रीम माइनिंग, लेकिन सामने लावा आ चुका है तो थोड़ा ऊपर खोद के देख ले लावा के सामने डायमंड तो नहीं है। लेकिन रिस्क मत लिया कीजिए लावा के सामने कभी भी, तब पर भी दिखा देते हैं डायमंड तो नहीं है। और ग्रेवल का ऊपर तो और रिस्क मत लीजिए, हम बता दे रहे सामने रेड स्टोन और लावा यहाँ पे भी फैलने लग गया। लावा को ब्लॉक कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे टॉर्च लगा देते हैं। नहीं सामने डायमंड नहीं है, रेड स्टोन है, इसी को लेकर आज खुश करते हैं। पूरा रेड स्टोन तो लेते हैं जब तक पिकाचर है, ऑटोमेटिक फार्म के लिए काम में आएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगे आज का वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को और कमेंट करें कि मेरे को गेम में एक्सप्लोर करना है या नहीं। और आप लोगों को तो दिखा दिए स्ट्रीम माइनिंग कैसे किया जाता है, और सामने में लावा आ गया था तो हम लोग इधर में माइनिंग करेंगे, इधर में करेंगे, इधर में करेंगे, ऐसे करके अभी और रो बनेगा। ठीक है, ये रोज तब तक के लिए बेड रख देते हैं, और यहाँ पे चेस्ट भी रखना पड़ेगा हम लोग के लिए। बेड हम लोग रखेंगे इधर, और यहाँ पे चेस्ट फर्नेस रखना है। तो अभी तो हम क्राफ्टिंग टेबल बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं, क्राफ्टिंग टेबल भी बन गया हम लोग का, और यहाँ पे फर्नेस भी लगाना है। ये जगह तो जाना नहीं है तो हम लोग इतना दूर तोड़ के रख देते हैं, क्योंकि उधर तो लावा आ गया। हम लोग जो माइनिंग करना है बस अभी हम लोग इस तरफ का इंतजार में, ये कुछ अच्छा दे दे इस तरफ। हम लोग कुछ आयरन मिला था और लैपिस का तो भरमांड है यहाँ, लैपिस 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 सिर्फ लैपिस ही है भरा हुआ। यहाँ पे स्टॉप पॉइंट लगा देते हैं और क्राफ्टिंग टेबल से तीन चार फर्नेस बना लेते हैं, एक दो तीन चार, चार फर्नेस काफ़ी है। यहाँ पे एक दो तीन ऊपर चार, चार फर्नेस लगा दिए। और अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आते रहेगा चैनल में। और लाइक कीजिए वीडियो को एंड कमेंट कीजिए कि एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं, पूरा बहुत बड़ा केव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो माई टॉकिंग टॉम और गरीना फ्री फायर का आने वाला है, वो भी कल। बाय बाय। लास्ट में आप लोगों को दिखा देते हैं कलेक्शन कितना हुआ, बस इतना ही माइनिंग से कलेक्शन हुआ और स्टोन सब हम अलग कर दिए हैं।